तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं HTML इनकोडिंग की। इसमें हम लोग बात करेंगे करेक्टर सेट की। तो जो हमारा वेब पेज होता है, इसमें जो हम लोग लेटर्स करेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हमें एक इनकोडिंग सिस्टम इस्तेमाल करना होता है अपने मेटा टैग में। तो मेटा टैग में हम जब चार सेट की वैल्यू देते हैं, यानी चार सेट जो एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू देते हैं UTF-8, तो इससे होता क्या है, कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जिनको आपको इनकोड करना होता है। तो उसके लिए आपको UTF-8 की मदद लेनी होती है, क्योंकि इसी में उसकी इनकोडिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। तो इसीलिए आपको अपने वेब पेज में मेटा टैग इस्तेमाल करना चाहिए, और इसमें चार सेट जो एट्रीब्यूट है इसमें आपको UTF-8 इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा और भी इनकोडिंग सिस्टम है, और भी करेक्टर सेट है, ठीक है। तो ये जो UTF-8 है, ये करेक्टर का पूरा सेट है। जितने भी करेक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप अपने वेब पेज में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको डिस्प्ले कराने के लिए जो सपोर्ट होता है वो आपको इसी करेक्टर सेट से मिलता है। तो इस टाइप में और भी होते हैं। यहाँ पर आप UTF-8 की पूरी रेफरेंस देख सकते हैं। देखते हैं इसको, ये रन, ये ओपन होता है कि नहीं, तो ये ओपन नहीं हो रहा है किसी वजह से। तो इसी तरीके के और भी करेक्टर सेट होते हैं, जैसे ASCII करेक्टर सेट हो गया। तो इस ASCII करेक्टर सेट में आप देख रहे होंगे कि इसमें 128 डिफरेंट करेक्टर्स हैं, जिसमें इंग्लिश लेटर्स हैं A to Z, नंबर्स हैं 0 to 9, और स्पेशल करेक्टर्स हैं लाइक दिस। और इसके अलावा एक तीसरा करेक्टर सेट भी, जिसको ANSI करेक्टर सेट बोलते हैं, इसको विंडोज़ 1252 भी बोलते हैं। और इसमें भी बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो ये बता रहा है कि इसका जो वन शुरू का 127 करेक्टर्स हैं वो सिमिलर टू ASCII करेक्टर्स हैं। उसके बाद इसमें 128 से 159 स्पेशल करेक्टर्स हैं इसमें। और इसमें जो 160 से 255 तक के जो करेक्टर्स हैं वो आइडेंटिकल है UTF-8 के। और इसको भी हम लोग मेटा टैग के अंदर जो चार सेट नाम का एट्रीब्यूट होता है उसमें वैल्यू के रूप में देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद है ISO 88591। ये करेक्टर सेट जो है HTML4 में इस्तेमाल किया जाता था, उसी को ये सपोर्ट, और उसको जो है इसी सपोर्ट मिलता था। तो ये तो ओल्ड हो चुका है, और इसका भी यहाँ फीचर लिखा हुआ है। और इसको कैसे देते थे, यहाँ पर कंटेंट नाम का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते थे, इसमें वैल्यू के रूप में कुछ इस तरीके से हम लोग देते थे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा करेक्टर चार सेट, और यहाँ पर इसने वैल्यू दी है, ठीक है। नया तरीका क्या है, HTML5 में हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं चार सेट, और यहाँ पर उसकी वैल्यू के रूप में ISO 88591। इसके बाद है UTF-8 करेक्टर सेट। तो यहाँ इसको भी बता रहा है कि दिस इज़ आइडेंटिकल टू ASCII फॉर द वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 127। तो ASCII में जो 0 से 127 तक के जो करेक्टर्स हैं, वही करेक्टर्स आपको UTF-8 में भी इसी नंबर के लिए दिखाई देते हैं। और भी लिखा हुआ है, डज नॉट सपोर्ट द करेक्टर्स फ्रॉम 128 to 159। लेकिन ये 128 से 159 तक के जो करेक्टर्स होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जो ANSI और 88511 है, उसमें जो करेक्टर्स हैं 160 से 255, इसको ये सपोर्ट करता है। मतलब इसमें जो UTF-8 में भी, इसके अंदर जो डिफाइन करेक्टर्स हैं इन दोनों में, इस नंबर्स के बीच में, तो इसमें भी ये चीज़ डिफाइन है, इसमें भी आइडेंटिकल है। मतलब इसमें मौजूद है, इन दोनों में भी मौजूद हैं इन नंबर्स के बीच के जो करेक्टर्स हैं। और उसके बाद ये बोल रहा है कि कंटिन्यूस फ्रॉम द वैल्यूज 256 to 10,000 करेक्टर्स। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ANSI है, 88511 है, और ASCII है, इन तीनों में देखिए कितने कम करेक्टर्स हैं। एक में तो 128 हैं, एक में 256 हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कितने करेक्टर्स हैं। ये बोल रहा है कि ये 10,000 करेक्टर्स हैं। मतलब कुछ ऐसे करेक्टर्स जो कि आपको इन इनकोडिंग सिस्टम से नहीं मिलते हैं। अगर आपने अपने वेब पेज में कुछ ऐसे करेक्टर्स इस्तेमाल किए हैं जो कि ANSI या ASCII या फिर 88511 जैसे करेक्टर सेट में मौजूद नहीं है, तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपका जो सिंबल है वो आपके वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होगा। तो उसकी डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक से उसे डिस्प्ले कराने के लिए आपको इसीलिए UTF-8 की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें 10,000 से ज़्यादा करेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस्तेमाल किया। और डिफरेंस बिटवीन करेक्टर सेट, तो यहाँ पर कंपेरिजन कर रहा है कि ASCII है, ANSI है, 88511 है, UTF-8 है। तो ये बता रहा है कि कौन कौन से सिंबल को अगर आप अपने वेब पेज में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो कौन सा कोड आपको इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। और इसको बोलते क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल है, ठीक है। तो ASCII हो, चाहे ANSI हो, चाहे 88511 हो, चाहे UTF-8 हो, तीनों के लिए 33 इस्तेमाल होगा डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक। और इनकोडिंग के लिए आपको पता होगा कैसे हम लोग इसे लिखते हैं। जैसे पहले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं किस तरीके से इसे डिस्प्ले कराना, उसका लिखने का एक सिंटेक्स होता है। और ये सब दिया हुआ यहाँ पर, काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो देख सकते हैं।